Where is my heroine? Bhabi ji, kahan? Heroine kahan hai meri? Where heroine? Where is my heroine? इसे कहते हैं कैरेक्टर में घुस जाना भाभी जी ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात सामने चंद्रलेखा का खड़ी है वाओ थैंकू वरबुती जी थैंकू लेकिन ये तो बताइए कि करना का है भाभी जी बड़ा सिंपल शॉट रखा पहला शॉट है ना इसलिए जैसे कि ठाकुर यहाँ बैठा है और टिल्लू आता है जैसे वो आता है आप पीछे छुप जाती हैं चेयर के और जैसे यहाँ पर खड़ा होगा आप उसे धक्का मार के उसी जगह पर खड़ी हो जाएंगी शॉर्टकट ठीक ओके सो Everybody's set? Mommy? मुझसे तो पूछी मत बेटा होकर अपनी माँ को रोल नहीं दिया Anyway, please take your positions. अपनी भी जगहें ले लें प्लीज गो बैक टू पोजीशंस मैं कहा दरवाजे बाहर जाओ हाँ. तिवारी जी लालटेन बराबर पकड़िए इसको प्रॉपर्ट हाँ होल्ड इट प्रॉपर्ली दैट्स राइट गाइस ऑल सेट सो नाउ साउंड रोल कैमरा एक्शन टिंग टोंग हमें ठाकुर साहब से मिलना है कौन है आप हम चंद्रवीर हैं ठाकुर साहब कोई चंद्रचूड़ चंद्रवीर आपसे मिलने आए हैं जोमरुद्दीन हमने कहा चौकीदार उसके अंदर भेज दो क्योंकि हमारे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता आने दो आइए मालिक बोलो मालिक बोलो अभी जी पुश करिए ना मालिक बोलो बे अभी जी पुश पुश भाभी जी आपको तो एक्टिंग करनी थी आपने तो सच्ची मुच्ची का थप्पड़ मार दिया मेरे गाल में क्या हुई एक ही चाटे में हिल गई सबकी मुंह उतर गई भाभी जी आपको तो सिर्फ पुश करना था आपने चाटा काय मार दो तू सिखाएगी अरे मलखान अरे मोरी मैया भाभी जी जे जे कहोगे आप तू भी बोलेगी भाभी जी क्या कर रही हैं आप प्लीज छोड़ दीजिए इसको खुद की कमीनी ठाकुर तुझे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी अरे सेठ जी तुमने भाभी जी को क्या खिला दिया था जो वो ऐसा कर रही थी अरे हम क्या बताएं यार हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी भाषा बोल रही है अरे जी जस्ट रिलैक्स ये सच्चे और अच्छे कलाकार की निशानी है भाभी जी ने कोई साउथ इंडियन चैनल पे कोई शो देखा होगा उससे भाषा सीखी होगी और उस भाषा को उन्होंने चंद्रलेखा में घुसेड़ दिया अब पता नहीं अंगूरी चंद्रलेखा के कैरेक्टर में घुसी है चंद्रलेखा अंगूरी के कैरेक्टर में घुसी है पता नहीं भाई हां तिवारी शी इज अ वाइफ हां शी इज योर वाइफ शी इज योर वाइफ जब पूरा जमाना उन्हें गलत समझ रहा है कम से कम आप तो उनके पीछे खड़े हुए उन्हें सपोर्ट दीजिए भैया जी अगर आप उनको उतना सही समझ रहे हैं ना तो फिर वहां से भाग के क्यों आए बैठे रहते वहां पे खेल लेते भाभी जी के साथ चंद्रलेखा वो भी साउथ इंडियन भाषा में
अरे सारा मुच्छल, बात भाषा की ना चल रही है। बात ये चल रही है कि यार माने हमारे हाथ है ना, यू खरबूजे के बेल की तरह मरोड़ कर रख दो, बा को का है। और भैया जो हमारा गोलो तो बात उसको का है, और जो दना दन थप्पड़ मार के हमारे गुर्दे ढीले कर दिए उसका क्या? पता नहीं अंगूरी है या पता नहीं कौन सी बला है, ऐसी जोर के पीठ पे मारा है कि हमारे गुर्दे जो पहले 4 लीटर हवा भरते थे अब सब 4 ग्राम भर रहे हैं, उसका क्या? खचेड़ू मुझे भी ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है, उसका क्या? क्या गड़बड़ हुई? एनी प्रॉब्लम? नहीं पगली, दरअसल हमें ऐसा लग रहा था जैसे शायद तुम्हारे अंदर कोई... क्या मेरे अंदर? क्या बोल रही है? तुम सब की सब ऐसे क्यों घूर रही है? क्या हुई इमाइंडी? क्या हुई? एक्चुअली चंद्रलेखा करेक्टर। ओ चंद्रलेखा पूछता है टिका कि तुमने ये भाषा कहां से सीखी, कब सीखी और क्यों सीखी? शट अप, दिस इज माय मदर टंग, मेरी अम्मा ने सिखाई। अदाई ना समस्या, एनी प्रॉब्लम? नो चंद्रलेखा, टीका का प्रॉब्लम है। तुमको प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मिले नल्ले। आपके मुंह से जो आपकी जो भाषा है ना, हमें बड़ी मीठी लगती है भाभी जी। ये भाभी जी क्या लगा रखी है? इधर कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं चल रही है, मैं चंद्रलेखा है। ये चुड़ैल है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। शट अप ठाकुर, चिल्लाती क्यों है? अभी तो मुझे तुझसे बदला लेनी है, बदला। बदला? एक नंबर की ऑपरचुनिस्ट है तू। तूने और तेरे चमचों ने मिलके मेरे साथ जो की ना, आई विल नेवर फॉरगिव यू। तुझे तो मैं तू किधर भागती है? लो बच्चा, प्रभुदेवा तू किधर भागती है? अभी मत मारना, हमने बोल लिया। अब मारेगी नहीं, लव करेगी। मर गया। अरे कचड़ू कहाँ है? कचड़ू कचड़ू मम्मी सब ठीक है? Everybody's okay? अरे घुइया ठीक है, सेठ जी अटक गए, भाभी जी ने दर्द पहुंचा उनको। अरे नारे, वो भाभी जी ना आई थी, मुझको तो कुछ और ही लग रही है थी यार वो। पता नहीं वो अंगूरी चुड़ैल कच्चा बनियान के साथ क्या कर रही होगी। चुड़ैल, अरे दरवाजा खोलो। अरे ये तो डॉक्टर की आवाज है। अबे उल्लू के पिल्लू, हो सकता है कि वो चुड़ैल डॉक्टर में घुस गई हो, डॉक्टर ना हो चुड़ैल हो। कचेड़ू जाकर देख तो सही, इतने से डॉक्टर के अंदर चुड़ैल कहां से आ गई? मम्मी शी हैव अ पॉइंट।
राइट अलर्ट रहना सब लोग अलर्ट रहना हां पैर दिखाओ पैर सीधे सीधे चुड़ैलना है लंबाई भी बराबर है डॉक्टर साहब भाभी जी के अंदर ना चुड़ैल घुस गई है मैंने तुम सबको पहले ही चेतावनी दी थी मना किया था चंद्रलेखा की आत्मा को मत छेड़ो वरना फिर तुम लोगों को ऐसा छेड़ेगी कि जिंदगी भर किसी को छेड़ने लायक नहीं रहोगे तुम लोग अबे ऐसे घूर रहे हो तुम लोग मुझे यार ये सब तुम्हारी वजह से हो रही है बड़े हिचकॉक बने घूम रहे थे ना अब झेलो ये बताओ कि इस मोहल्ले में कौन सा ऐसा शख्स है जो इनकी बात सच मानता हो इनके पास जुकाम लेके जाओ तो बोलते किडनी ट्रांसप्लांट करा दो डॉक्टर नहीं ये तांत्रिक है तांत्रिक ओ भैया मेरी बात ना मानने का नतीजा देख रहे हैं ना आप मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ डॉक्टर साहब जो होगो सो होगो अब है ना हमें जो चुड़ैल को भगाने को तरीको बताओ अब इसका तो सिर्फ दो ही रास्ता है दूसरा रास्ता बताइए क्योंकि पहला रास्ता हमेशा डिफिकल्टी होता है भैया चंद्रलेखा की आत्मा को भगाने का उसकी कहानी में तरीका छुपा हो सकता है आपका मतलब है कि हम उस चुड़ैल के सामने जाएं और उससे कहें कि हमें नींद नहीं आ रही है कहानी सुना दो अरे लोरी सुना के गुर्दे लूट लेगी हमारी कैसी बातें कर रहे हो तुम नहीं बे लौंडे एक लाइब्रेरी है पी के मारूं मैंने सुना है वहां पे ऐसी सी किताबें हैं जो अपने आप में ऐसी चुड़ैल की कहानियां छुपा हैं अगर इस राज से पर्दा उठाना है तो हमें उसी लाइब्रेरी में जाना होगा तभी इसी समस्या का समाधान हो सकता है लाइब्रेरी का नाम है पी के मारू तू मत जाना कहां चली गई है प्रभुदेवा पहचानी अंगूरी अरे तुम्हें नहीं पहचानेंगे क्या पगली अंगूरी नहीं अंगूरी बाहर है अंदर मैं है कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारे जीवन में भी अंदर वाली और बाहर वाली का चक्कर शुरू हो जाएगा इल्ले याद करो मैं तुम्हारी चंद्रलेखा भूल गई हम तो समझ नहीं पा रहे क्या है हमारे जीवन का लेखा जोखा तुम सब भूल गई प्रभु देवा तुमको याद नहीं जब तुम और मैं टेरेस पर मिलती थी तुम क्या बोलती थी हमको कि चंद्रलेखा तुम्हारी आंख इडली जैसी राउंड राउंड याद आई हम छत पे मिलते थे और हम तुमको ईसा बोलते थे तुम ये बोलती थी कि हमारा गाल तुमको डोसे जैसे दिखती है मैसूर रवा डोसा अच्छा यस और जब हमारी आंखों में टियर्स आती थी तुम बोलती थी चंद्रलेखा ये टियर्स नहीं है ये सांबर है हमारा दिल करती कि ये सांबर पी जाओ याद आई ये चंद्रलेखा किसी इंसान का नाम था या किसी उडीपी होटल का क्या बकवास करती तुम तुम सब भूल जाती टेंशन नहीं लेने की मैं अभी तुमको डोज देती तुमको सब याद आती क्या कहा चंद्रलेखा वापस आ गई है हे भगवान क्या होगा देखिए हम आपके पास बहुत उम्मीद लेके आए भाई साहब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ गौर से सुनिएगा एक सुई होती है, है और जब वो खिड़की से बाहर देखती थी ना तो उसको एक पेड़ दिखता था जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी एक दिन सुई ने ना दौड़ना चालू किया पेड़ की तरफ दौड़ रही है उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि आज इस पेड़ को काट के गिरा दूंगी सुई दौड़ रही है अजीब बातें कर रहे हो बावला समझा तुमने हमें क्या अरे एक छोटी सी सुई पेड़ को कैसे काट सकती है अरे यही बात तो मैं बोल रहा हूँ क्या ये बात आप अपने दोस्त को नहीं समझा सकते थे कि भला मैं चंद्रलेखा को कैसे भगा सकता हूँ देखिए कोई तरीका तो होगा देखिए मैं कहानी लिख के पछता रहा हूँ अच्छा ये बताइए क्या लिखा था आपने कहानी में बड़ी सिंपल सी स्टोरी थी लव ट्रायंगल था ये एक लड़की थी चंद्रलेखा उसको ठाकुर से प्यार हो जाता है और चौकीदार बीच में आके भांजी मारता है इसे लव ट्रायंगल अच्छा भाई साहब एक बात बताइए आपकी शादी हो गई है जी
तो भाई साहब आप एक काम कीजिए, आप अभी अपनी पत्नी को कॉल कीजिए और उनसे कहिए कि अपने दूसरा पति ढूंढ लें, क्योंकि अब चंद्रलेखा के हाथों से तो आप बचने वाले हैं नहीं ना। ये ऐसी बात ना करिए प्लीज, ऐसी बात ना करिए। अरे तो कैसी बातें करूं, आप ही बताइए भाई साहब, चंद्रलेखा का प्रेम ठाकुर से नहीं था, चौकीदार से था, और ठाकुर बीच में घुस करके चौकीदार की पत्नी को लाइन मारता था। अब आप बताइए, दूसरे की पत्नी को लाइन मारना अच्छी बात है? इसमें इतना भी गलत नहीं, कभी कभी आपको दूसरे की बीवी भी अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से चंद्रलेखा की मौत हुई थी, उसने आत्महत्या की थी, क्योंकि वो तंग आ गई थी ठाकुर के अत्याचारों से। और ये मानिए आज भी वो पुरुषों से उतनी ही नफरत करती है, मतलब बहुत नफरत करती है। कोई भी उसके बारे में गलत कहानी लिखता है ना, तो वो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो अपने हाथों से उसकी मौत की कहानी लिखती है। लेकिन सर आप सिर्फ इतना बताइए कि चंद्रलेखा की कहानी का अंत कैसे होगा? आखिर किसी किताब में तो लिखा होगा ना उसका कैसे अंत होगा? भाई साहब लिखा है लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे। इंग्लिश में आपको भी नहीं आती? कैसे समझाऊं? एक मिनट, ये रही चंद्रलेखा। अरे मोरी मैया, ये वो चंद्रलेखा की किताब है और ये वो आखिरी पन्ना किताब का जिस पे लिखा हुआ था कि चंद्रलेखा को हम उसकी दुनिया में वापस कैसे भेज सकते हैं। और देखिए इस पे स्याही गिरी हुई है। ये पन्ने पे स्याही नहीं गिरी है, ये मेरी जिंदगी पे स्याही गिरी है, मेरे मुंह पे स्याही पुत गई। भैया अब आप चंद्रलेखा के हाथों से ना मरने से सिर्फ एक ही सूरत में बच सकते हो। कैसे? आप खुद अपने आप को मार लो, जब आप जिंदा नहीं रहोगे तो वो मारेगी किसको? दिल तो कर रहा है कि पहले तुझे मार दूं, ताकि बोल चंद्रलेखा से कि कहानी हम दोनों ने मिलकर लिखी है। भैया गुस्सा मत हो, एक आइडिया है मेरे दिमाग में। भैया सियाई जो है वो किताब पर पढ़िए, अगर किताब का लेखक जिंदा हो तो उसके पास जाकर पूछ सकते हैं कि आखिरी पन्ने पर उसने क्या लिखा है। कैसी गई? क्या टिल्लो? अरे वाह लौंडे वाह, इसके लेखक को तो मैं जानता हूँ, मैं अभी उसको लेकर आता हूँ। भाई साहब जो भी करिएगा जल्दी करिएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दिन का समय है। क्यों, उसके बाद क्या होगा? भाई साहब उसके बाद मैं गांव चला जाऊंगा ना, मैं चाह रहा था कि तमाशा मैं भी देख लेता, मेरे आमने सामने सब हो जाता ना तो मेरा भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता, मैं भी तो इंसान हूँ। सारे धीके लट पुरानो चावल आ गो। बस कर यार बस। सुन हाँ, पानी के साथ ले गो या सोडा के साथ? ना यार आज तो भैया नीट पीने को मन कर रहा हूँ यार। सुन हाँ यार, तुम चखनो ना लाओ यार। सारे कमाल कर रहे हो, जेले चखना लाया हूँ बेटा। सारे फिर चिकन ले आओ, तू यार मेरे कोलेस्ट्रोल बढ़ा के दम लोगो यार। अच्छा अबे क्या खा रही है यार तू? चिकन खाओगे? ना यार मेरा पेट भरा हुआ है। चल यार वो सब तो छोड़, तू जे बता तू आ कहाँ से रहो है? मैं? अबे छोड़ यार, मेरी वो ना अपना तांत्रिक नुमा डॉक्टर शमशान को जा रही था। अच्छा। बस भैया उसी की मौज लेके आ रही हूँ। ये डॉक्टर साहब इतनी रात को शमशान कहाँ करने जा रहे थे यार? ए भैया ए जा रहे होंगे यार चंद्रलेखा के पास हमारी चुगली करने के लिए, कि दीदी वो तीनों बदमाश ना तुम्हारी फिरकी ले रहे आगे। अबे अकल से पैदल धीरे बोल, रात को ऐसी बातें ना करें। हाँ हाँ भैया चंद्रलेखा तो कान लगाए खड़ी होगी हमारी बातें सुनने के लिए। तो मुच्छल हाँ मान ले, सोच तू हाँ वो चंद्रलेखा अचानक हमारे सामने आ जाए हाँ तो क्या करेगा तू? करनो का है भैया, सीटी बजा देंगे यार। घने दिन हो गए भैया किसी छोरी को छेड़ो नहीं आगो, और जे तो नया एक्सपीरियंस आ जाएगो चुड़ैल को छेड़ने को। सही कह रही है यार ये। सारे टिल्लू धीके लट, तूने टीका को किस खुशी में थप्पड़ मारो है को? यार मलखान कसम खा के कह रही हूँ भैया, मुझे ना पता जेहाद अपने आप उठा और इस पे चल गया यार।
और मुच्छल जी तो हद दे गई, सारे क्या बकवास कर रहे हैं। अरे मैया,